नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी तथा अधीनस्थ बोर्ड की पुरानी परीक्षा में इडियम्स तथा फ्रेजेस के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है टू हैव ए डिगेट। टू हैव ए डिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो टू हैव ए डिगेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। नेक्स्ट है कि टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, यानी प्रकट करना या प्रकाश में लाना। ठीक है, टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, मतलब किसी चीज को प्रकट करना या प्रकाश में लाना। नेक्स्ट है टू ब्रश अप। टू ब्रश अप का मतलब होता है टू रिन्यू, यानी किसी चीज को नवीनीकरण करना, किसी चीज को रिन्यू करना। ठीक है, टू ब्रश अप का मतलब होता है नवीनीकरण करना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस। ठीक है, तो टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करना। ठीक है, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, या चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू शुरू करना, या इसको ऐसे भी बोल सकता है रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। ठीक है, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल इन करेक्टर और अपीरियंस, मतलब सदृश होना, रिजेंबल होना। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना या सदृश होना। नेक्स्ट हम देखते हैं कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब क्या होता है? स्टे एट द सेम लेवल एज। ठीक है, कीप अप विथ का मतलब होता है स्टे एट द सेम लेवल। ठीक है, तो कीप अप विथ का मतलब होता है स्टे एट द सेम लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या होता है? ओवर थ्रो करना, या पराजित कर देना, या उखाड़ कर फेंक देना। ठीक है, बियर डाउन का मतलब होता है ओवर थ्रो करना। क्या होता है? ओवर थ्रो करना। अगला हम देखते हैं कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन, समन करना। ठीक है, समन करना या बुलाना या बुलावा भेजना। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन करना या बुलाना या बुलावा भेजना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है टू हैव हिज रिवेंज, मतलब अपना बदला पूरा करना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब होता है टू हैव हिज रिवेंज, मतलब अपना बदला पूरा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं गिविंग वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेविंग एरोगेंटली, यानी अहंकार पूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेविंग एरोगेंटली, यानी अहंकार पूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट है कि टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, मतलब किसी गलत चीज का अंदेशा लगाना या अनुमान लगाना। ठीक है, टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं अकली सील। अकली सील का मतलब क्या होता है? ए फैटल वीकनेस, एक जानलेवा कमजोरी या घातक कमजोरी। टू फैटल वीकनेस, ए फैटल वीकनेस। ठीक है, तो एक जानलेवा कमजोरी या घातक कमजोरी किसका मतलब है? अकली सील का मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैलड डेज। सैलड डेज का मतलब होता है डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, मतलब किसी की अनुभवहीन युवावस्था के दिन। अनुभवहीन युवावस्था के दिन क्या कहलाते हैं? सैलड डेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है रेडियली अवेलेबल नॉलेज, आसानी से उपलब्ध ज्ञान। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है रेडली अवेलेबल नॉलेज, यानी आसानी से उपलब्ध ज्ञान। आगे हम देखते हैं बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है? विदड्रॉ करना, यानी अलग हो जाना या पीछे हट जाना, विदड्रॉ कर लेना। बैकआउट का मतलब होता है विदड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू थ्रो आउट द ऑफ ऑफ करेंसी। नेक्स्ट है क्या है? टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी, मतलब पुट ऑफ यूज, इसका मतलब होता है पुट ऑफ यूज, यानी उपयोग में लाना। टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी का मतलब होता है उपयोग में लाना, पुट ऑफ यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म इसका मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू पुल थ्रो। टू पुल थ्रो का मतलब होता है टू रिकवर। टू पुल थ्रो का मतलब होता है रिकवर। अगला है ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है इन ए स्ट्रेंथ सिचुएशन।
एक स्टेंस सिचुएशन में होना। अगला है ए वाइल्ड गूस चेस। ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। क्या है? ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए यूजलेस एंटरप्राइजेस, एक बेकार उद्यम, मतलब ऐसा परिश्रम जिसका कि कोई परिणाम न निकले, वो क्या कहलाता है? ए वाइल्ड गूस चेस, ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, या ए यूजलेस एंटरप्राइजेस। आगे हम देखते हैं मेक हे वाइल्ड द सन शाइन्स। ठीक है, मेक हे वाइल्ड द सन शाइन्स मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज ले लेना। ठीक है, मेक हे वाइल द सनसाइंस का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज लेना। आगे देखते हैं टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंडेंट, मतलब किसी चीज पर निर्भर होना। टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंडेंट, यानी किसी चीज पर निर्भर होना। नेक्स्ट है कि नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम्स, मतलब मोस्ट रिसेंट नीड, किसी टाइम पर जो सबसे अधिक आवश्यकता वाली चीज है ना, वो नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट नीड। ठीक, अब हम आगे देखते हैं पुट देयर हेड्स टूगेदर। पुट देयर हेड्स टूगेदर का मतलब होता है कंसल्ट वन अनोदर, मतलब एक दूसरे से कंसल्ट करना। नेक्स्ट है कि ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ठीक है, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, इसका मतलब होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए हिपोक्रिट, यानी पाखंडी या ढोंगी इंसान। ठीक है, ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग मतलब होता है ए हिपोक्रिट, भेड़ की खाल में भेड़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं ए डेड लेटर। क्या है ए डेड लेटर? ए डेड लेटर का मतलब होता है नो लॉन्गर इन फोर्स। नो लॉन्गर इन फोर्स, ऐसा ऐसी चीज जिसका अब अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इन फोर्स का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ए जिफी। इन ए जिफी का मतलब होता है वेरी सुन, या पलक झपकते ही बहुत जल्दी। इन ए जिफी का मतलब होता है वेरी सुन, यानी पलक झपकते ही बहुत जल्दी। अगला है देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देर इज नो स्मोक विदाउट फायर मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता। ठीक है, इसका ये है देर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज। देर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? समन या सेंड फॉर, बुलावा, भेजना या बुलवाना किसी को। नेक्स्ट है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेम्बल्स, मतलब सदृश होना। नेक्स्ट है थ्रू अप। थ्रू अप का मतलब होता है टू बी सिक, यानी बीमार हो जाना। थ्रू अप का मतलब होता है टू बी सिक, यानी बीमार होना। नेक्स्ट है कि टर्न टर्न हिम ऑफ। क्या है? टर्न हिम ऑफ, यानी इसका मतलब है टू डिसमिस, यानी उसे सेवा से हटा देना। टर्न हिम ऑफ का मतलब है टू डिसमिस या सेवा से हटाना। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि वाइप डाउट। क्या है वाइप डाउट? वाइप डाउट का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, या सफाया करना। वाइप डाउट का मतलब होता है रिमूव करना या सफाया करना। नेक्स्ट है बी एट वन स्विट्स एंड। क्या है? बी एट एट वन स्विट्स एंड। ठीक है, इसका मतलब होता है गेट सो वरीड एज नॉट टू नो वाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है गेट सो वरीड एज नॉट टू नो वाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करें इसका पता नहीं है, इसी बात की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू मेक वंस मार्क। नेक्स्ट क्या है? टू मेक वंस मार्क, इसका मतलब है अपनी पहचान बनाना। ठीक है, इसका इंग्लिश में जो आंसर था वो था टू सक्सीड ब्रिलियंटली। क्या है? टू सक्सीड ब्रिलियंटली। नेक्स्ट है कि टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। टू ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब होता है प्रकाश में लाना। तो इसका जो आंसर है वो है क्या? टू मेक वाइडली नोन। क्या है? टू मेक वाइडली नोन। नेक्स्ट है कि ए गुड फॉर नथिंग। ए गुड फॉर नथिंग किसे कहा जाता है? ए वर्थलेस और एंड लेजी पर्सन। ठीक है, ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन को क्या कहा जाता है? गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट है कि एट द 11th आवर। ठीक है, क्या है? एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या है? एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट में करना कोई काम। ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब है एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है कि पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट। ठीक है, पुट अप विद का मतलब क्या है? टॉलरेट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेपिंग स्टोन। क्या है स्टेपिंग स्टोन? स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है समथिंग दैट हेल्प यू टू अचीव समथिंग, ऐसी चीज जो कि आपको कोई चीज प्राप्त करने में हेल्प करती है, वो क्या कहलाती है? स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, सफलता की सीढ़ी। नेक्स्ट है फिश टू फ्राई। फिश टू फ्राई, फ्राई का मतलब होता है टू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू। ठीक है, फिश टू फ्राई का मतलब है टू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू, मतलब कुछ अधिक इम्पोर्टेंट कार्य।
अब हम आगे देखते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन सून, मतलब जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हरक्यूलियन टास्क। क्या है हरक्यूलियन टास्क? इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी हार्ड टू परफॉर्म। ठीक है, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट काम। आगे देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब है टू बी एक्यूरेट। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है टू बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना। नेक्स्ट है कि लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या है? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ इसका मतलब है टू हैव हार्डली इनफ मनी टू लिव ऑन। क्या है? टू हैव हार्डली इनफ मनी टू लिव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सी आई टू आई इसका मतलब है फुली एग्री विथ समवन, किसी के साथ पूर्ण रूप से सहमत होना। नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट समवन डज नॉट हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब किसी ने कोई कर्जा लिया है और वो चुकाया नहीं है, तो उसकी जो ऑफिशियल रूप से बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑफ। टू है टू से ऑफिशियली दैट समवन डज नॉट हैव पे एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैक अवे। नेक्स्ट क्या है? बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट प्लान। बैक अवे का मतलब है टू, मतलब आप किसी प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप पीछे हट गए हो। नेक्स्ट है कि टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना, तो इसका मतलब है हमेशा झगड़ते रहना। टू बी ऑलवेज क्वारलिंग। ठीक है, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना मतलब हमेशा झगड़ते रहना। टू बी ऑलवेज क्वारलिंग। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब है थ्रो गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, आसान और मुश्किल समय से गुजरना। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब है राइज एंड फॉल, गुड एंड बैड फॉर्च्यून। नेक्स्ट देखते हैं अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। क्या है? क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक रूप से परफॉर्म करना। नेक्स्ट है कि टू कम टू टर्म। क्या है? नेक्स्ट है टू कम टू टर्म इसका मतलब है टू मेक एन एग्रीमेंट। क्या है? टू मेक एन एग्रीमेंट। आगे हम देखते हैं एन ओपन क्वेश्चन। एन ओपन क्वेश्चन इसका मतलब है ए क्वेश्चन विदाउट एन एग्रीड आंसर। क्या है? ए क्वेश्चन विदाउट एन एग्रीड आंसर। अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इसका मतलब होता है अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग एंड स्टार्ट टू क्राई, ऐसे बोलते हैं ना, उसका ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग और स्टार्ट टू क्राई, मतलब अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और वो रोने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू कंसिडर समथिंग। सेट असाइड का मतलब उस किसी को किनारे कर देना, मतलब किसी को कंसिडर नहीं करना। आगे हम देखते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है ऑन इम्पल्सिव, मतलब सडनली, सडनली विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब अचानक से बिना किसी प्लान के। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है अचानक से बिना किसी प्लान के। नेक्स्ट देखते हैं ए बॉन ऑफ कंटेंशन। ए बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। क्या है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या झगड़े की जड़। आगे देखते हैं टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब होता है हावी होना या कब्जा करना। टू कंट्रोल ऑफ समथिंग ऑप्टन बाई फोर्स। ठीक है, टेकन ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा करना। नेक्स्ट है कि एट ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है, एट ऑड्स एंड एंड्स इसका मतलब होता है मिसेलिनियस थिंग्स। क्या है? इसका मतलब मिसेलिनियस थिंग्स। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एट डेगस ड्रावन। क्या है? एट डेगस ड्रावन इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कटु शत्रुता होना। क्या है? कटु शत्रुता होना। नेक्स्ट देखते हैं कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि वर्क लेट एट नाइट, देर रात्रि तक कार्य करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है देर रात्रि तक कार्य करना। अगला है मेक यू एंड क्राई। ठीक है, चीखना चिल्लाना और रोना धोना इसका मतलब है चीखना चिल्लाना और रोना धोना। ए नॉइसी एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर और डिसअप्रूवल, मतलब कोई चीज पसंद ना आए तो चीखना चिल्लाना। ठीक, मेक हू एंड क्राई। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले, डिले करना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू एंटर समथिंग बाय फोर्स, मतलब फोर्सफुली किसी चीज में एंटर कर जाना, या इसका दूसरा मतलब ऐसे भी हो सकता है कि टू इंटरप्ट व्हेन समवन इज टॉकिंग, मतलब जब कोई बात कर रहा हो तो उसे इंटरप्ट करना, टोकना बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रेक इन। नेक्स्ट है कि टू बी
टू बी इन ए फिक्स, क्या है टू बी इन ए फिक्स, इसका मतलब है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। आगे देखते हैं क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का मतलब होता है सीज बिजनेस, मतलब बिजनेस को क्या कर देना, सीज कर देना, क्लोज डाउन का मतलब। अगला देखते हैं सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या है सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब घड़ियाली आंसू रोना, ठीक है, इसका मतलब है बी हिपोक्राइट एंड सेड फाल्स टीयर्स, मतलब झूठे आंसू बहाना। आगे देखते हैं थ्रो लाइट ऑन, थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है टू फाइंड और सी समथिंग बाय एक्सीडेंटली, ठीक है, मतलब किसी चीज को एक्सीडेंटली देख लेना। आगे देखते हैं टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव ए प्लेस वेयर पीपल आर वेटिंग फॉर यू, टर्न अप का मतलब होता है टू अराइव ए प्लेस वेयर पीपल आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड समवंस रियल फीलिंग और इंटेंशन व्हाट दे से, ठीक है, मतलब किसी ने कुछ कहा है उसमें उसकी रियल फीलिंग या इंटेंशन क्या है उसका पता लगाना, इसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं कि टू वेदर द स्टॉर्म, इसका आपने अभी देखा था कि टू सर्वाइव इन ए क्राइसिस, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाना। नेक्स्ट है कि टू रेस्ट ऑन वंस लोरियल, इसका मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, ठीक है, टू रेस्ट ऑन वंस लोरियल का मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। आगे देखते हैं टू कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है टू मीट विथ, क्या है टू मीट विथ। नेक्स्ट है कि डन फॉर, डन फॉर का मतलब होता है रुइंड, क्या है रुइंड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी यानी लाइवलीहुड यानी आजीविका। अब आगे हम देखते हैं टू कॉल स्पेड ए स्पेड, ठीक है, टू कॉल स्पेड ए स्पेड, इसका मतलब होता है प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच, मतलब साफ और सरल बोलना, ठीक है, या फिर टू स्पीक विदाउट माइंसिंग वर्ड, ठीक है, बिना किसी माइंसिंग वर्ड के साफ और स्पष्ट बोलना, क्या है टू कॉल स्पेड ए स्पेड। नेक्स्ट है कि कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब होता है टू बी इन्फ्लुएंस बाय, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, कैरिड अवे का मतलब। नेक्स्ट है कि गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने की कला, किसी में बोलने की कला होना क्या कहलाता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गिव समवन ए पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब होता है स्कॉल्डेड समवन यानी किसी को डांटना या फटकारना, इसका होता है गिव समवन ए पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट की लुक इन टू, लुक इन टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम आपके आरपीएससी तथा आरएसएम एसएसबी की पुरानी परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वाली क्लास आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2023 तथा आरएस मेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहला सिनोनिम्स है वह सोलेस, क्या है सोलेस, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देना और सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब भी क्या है सांत्वना देना, तो सोलेस, सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है कंफर्ट। अगला हम देखते हैं, अगला है डिसमल, डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक, डिसमल का अर्थ क्या होता है निराशाजनक, और डिसमल का जो सिनोनिम है वो क्या है ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ भी होता है निराशाजनक। अगला है एंट्रिट, एंट्रिट का अर्थ होता है विनती करना, क्या होता है विनती करना, एंट्रिट का अर्थ होता है विनती करना, और एंट्रिट का जो सिनोनिम है वो क्या है प्रे, प्रे का अर्थ भी होता है विनती करना। अगला है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का अर्थ होता है सटीक, एग्जैक्ट का अर्थ क्या होता है सटीक, और एग्जैक्ट का जो सिनोनिम है वो क्या है एक्यूरेट, क्या है एक्यूरेट। अगला प्रश्न है पॉम्पस, पॉम्पस का अर्थ, पॉम्पस, पॉम्पस का अर्थ होता है गर्वित, पॉम्पस का जो सिनोनिम होता है वो है प्रीटेंशियस, क्या होता है प्रीटेंशियस, प्रीटेंशियस का अर्थ भी होता है गर्वित या अभिमानी। अगला हम देखते हैं क्या है प्रिमिटिव, क्या है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का जो अर्थ होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक, प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। अगला हम देखते हैं मिनिमम, क्या है मिनिमम, मिनिमम का जो सिनोनिम वो है लोवेस्ट, मिनिमम का जो सिनोनिम है लोवेस्ट। अगला देखते हैं कावर्ड, क्या है कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है क्या है मिल्क सोप, क्या मिल्क सोप। अगला देखते हैं बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना, तो बूस्ट का जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज। अगला हम देखते हैं एडेज, एडेज का अर्थ होता है कहावत, तो एडेज का जो सिनोनिम है वो है प्रोवर्ब, क्या है प्रोवर्ब। अगला हम देखते हैं हेस्ट, एच ए एस टी ई, हेस्ट, हेस्ट का अर्थ होता है तेजी,
तेजी और हेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है, ब्रिस्क। क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ भी होता है तेजी। अगला देखते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना, ठीक है। इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। तो इंडिक्ट का जो सिनोनिम है वो है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ भी होता है दोष लगाना। आगे हम देखते हैं रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का अर्थ होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है? अनविलिंगनेस। अगला हम देखते हैं क्या है, हंगरी। हंगरी का अर्थ होता है भूखा। और हंगरी का जो सिनोनिम है वो है स्टार्विंग। स्टार्विंग का अर्थ भी होता है भूखा। अगला हम देखते हैं पिस्टर। क्या है? पिस्टर। पिस्टर का अर्थ होता है सताना या परेशान करना। और पिस्टर का जो सिनोनिम है वो है एनोय। एनोय का अर्थ भी है सताना। आगे हम देखते हैं एसिमलेट। एसिमलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। एसिमलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। और एसिमलेट का जो सिनोनिम है वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अर्थ भी होता है आत्मसात करना। अगला है जुवेनाइल। क्या है? जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है बचकाना या बच्चा, ठीक है। तो जुवेनाइल का जो सिनोनिम है वो है चाइल्डिश। क्या है? चाइल्डिश। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। अगला देखते हैं अनाउंस। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। और जो अनाउंस का जो सिनोनिम है वो है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। आगे हम देखते हैं अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति, ठीक है। अलाउ का जो सिनोनिम है वो है परमिट। परमिट का अर्थ भी होता है अनुमति। अगला देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप रूप से। यूनिफॉर्म का जो सिनोनिम होता है वो होता है इवन। इवन का अर्थ भी होता है एक समान। नेक्स्ट है ए डब्ल्यू ई। क्या है? ए डब्ल्यू ई, ठीक है। ए डब्ल्यू ई क्या अर्थ होता है? डर, ठीक है। तो ए डब्ल्यू ई का जो सिनोनिम है वो है फियर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है फियर। अगला हम देखते हैं एडमोनिस। एडमोनिस का अर्थ होता है धिक्कारना या फटकारना। और एडमोनिस का जो सिनोनिम है वो है रिब्यूक। क्या है? रिब्यूक। अगला देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक। और बेनिफिशियल का जो सिनोनिम है वो है प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है कि डेस्पाइस। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा या नफरत करना। डेस्पाइस का जो सिनोनिम है वो है हेट। अगला देखते हैं कैटास्ट्रॉप। क्या है? कैटास्ट्रॉप। कैटास्ट्रॉप का अर्थ होता है आपदा। और कैटास्ट्रॉप का जो सिनोनिम है वो है कैलेमिटी। क्या है? कैलेमिटी। कैलेमिटी का भी अर्थ होता है आपदा। अगला हम देखते हैं डोसाइल। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र। और डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है जेंटल। तो डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है क्या है? जेंटल। अगला हम देखते हैं अर्नेस्ट। क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का अर्थ होता है उत्सुक। और अर्नेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है? ईगर। ईगर का अर्थ भी होता है क्या? उत्सुक। अगला हम देखते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का अर्थ होता है धीमे धीमे बहना या फ्लोटिंग करना। पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट करती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइड। तो ग्लाइड का जो सिनोनिम है वो है फ्लोट। अगला हम देखते हैं फ्लिंग। फ्लिंग का अर्थ होता है फेंकना। और फ्लिंग का जो सिनोनिम है वो है थ्रो। थ्रो का अर्थ भी होता है फेंकना। अगला हम देखते हैं कॉशन। कॉशन का अर्थ होता है सावधानी या सतर्कता। और कॉशन का जो सिनोनिम होता है वो है केयरफुलनेस। इसका अर्थ भी होता है सावधानी या सतर्कता। अगला है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का जो सिनोनिम है वो है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ भी होता है आनंद या प्रसन्नता। अगला देखते हैं जेनरस। क्या है? जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है उदार। और जेनरस का जो सिनोनिम होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे लिबरल। लिबरल किसका सिनोनिम है? जेनरस का। बाउंटीफुल ये भी जेनरस का सिनोनिम है। और मैग्नानिमस ये भी जेनरस का सिनोनिम है। तो लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस ये किसके सिनोनिम है? जेनरस के। इसका अर्थ होता है उदार। अगला हम देखते हैं फीकल। फीकल का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल। क्या है? अस्थिर या चंचल। और फीकल का जो सिनोनिम है वो है इनकॉन्स्टेंट। क्या है? इनकॉन्स्टेंट। अगला हम देखते हैं एलिगेंट। एलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर। और जो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ भी क्या होता है? सुंदर। अगला हम देखते हैं डेबिलिटेट। क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का अर्थ होता है शक्तिहीन या कमजोर करना। और डेबिलिटेट का अर्थ जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है कमजोर करना। अगला हम देखते हैं एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर। और एटेन्यूएट का जो भी सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का अर्थ भी है दुर्बल या कमजोर। अगला है परफंक्ट्री। क्या है? परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का अर्थ है असावधानी पूर्वक। क्या है? असावधानी पूर्वक। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? हाल्फ हार्टेड या बिना मन के। बिना मन के असावधानी पूर्वक उसे क्या कहते हैं? परफंक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं रैपिडिटी। रैपिडिटी का अर्थ होता है तीव्रता से। और रैपिडिटी का जो सिनोनिम है वो है क्विकली। क्विकली का अर्थ भी होता है तीव्रता से।
आगे देखते हैं एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली, ठीक है। तो एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। अगला हम देखते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति, और एकॉर्ड का जो सिनोनिम है वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ भी होता है सहमति। अगला हम देखते हैं कॉजेंट। क्या है कॉजेंट? कॉजेंट का मतलब होता है ठोस या विश्वासप्रद, और कॉजेंट का जो सिनोनिम है वो है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का अर्थ भी होता है ठोस या विश्वासप्रद। अगला हम देखते हैं ग्रोस्टेक्यू। क्या है ग्रोस्टेक्यू? ग्रोस्टेक्यू का अर्थ होता है विचित्र या स्ट्रेंज, ठीक है। तो ग्रोस्टेक्यू का जो सिनोनिम है वो है बिजेर। क्या है बिजेर? बिजेर का अर्थ भी होता है विचित्र या स्ट्रेंज। अगला हम देखते हैं सुपर प्लस। क्या है सुपर प्लस? सुपर प्लस का अर्थ होता है अनावश्यक। तो सुपर प्लस का जो सिनोनिम है वो है नीडलेस। क्या है नीडलेस? नीडलेस का अर्थ भी होता है अनावश्यक। अगला हम देखते हैं विजिलेंस। विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, और विजिलेंट का जो सिनोनिम होता है वो है सरकमस्पेक्ट। क्या है सरकमस्पेक्ट? और सरकमस्पेक्ट का अर्थ भी होता है चौकन्ना। आगे हम देखते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट का अर्थ होता है जन्मजात, और इनहेरेंट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न का अर्थ भी होता है जन्मजात। आगे हम देखते हैं इम्यूलेशन। क्या है इम्यूलेशन? इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इन्हों इम्यूलेशन का जो सिनोनिम है वो है कॉपी करना या इमिटेशन करना। तो इम्यूलेशन, इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इसके जो सिनोनिम है वो कॉपिंग एंड इमिटेशन, कॉपी करना या इमिटेशन करना। आगे हम देखते हैं एबेंडन। एबेंडन, एबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो एबेंडन का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपसीन। क्या है अपसीन्स? अपसीन्स का अर्थ होता है क्या होता है गंदा, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इनडिसेंट। क्या होता है इनडिसेंट? ऑप्शंस का जो सिनोनिम होता है इनडिसेंट। क्या इनडिसेंट का मतलब होता है गंदा या भद्दा। अगला अगला हम देखते हैं अनअबेसडली। क्या है अनअबेसडली? अनअबेसडली क्या है? अनअबेसडली उसका अर्थ होता है शर्महीन, ठीक है, जिसमें कोई भी शर्म नहीं हो। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सैमलेस, ठीक है। तो अनअबेसडली क्या का मतलब होगा क्या? सैमलेस। अगला हम देखते हैं बिनाइन। बिनाइन का अर्थ होता है सौम्य। बिनाइन का जो सिनोनिम है वो एग्जाम में क्या पूछा गया है? काइंडली, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है काइंडली। अगला है ड्यूबियस। क्या है ड्यूबियस? ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। तो ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? डाउटफुल या संदिग्ध, ठीक है। आगे हम देखते हैं ओमनियस। ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक, ठीक है। तो ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ओमनियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है थ्रेटनिंग। क्या? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का अर्थ भी होता है भय सूचक। अगला हम देखते हैं परसीव। परसीव का अर्थ होता है अंडरस्टैंड करना या समझना, ठीक है। तो परसीव, परसीव का जो सिनोनिम होता है वो होता है अंडरस्टैंड। अगला हम देखते हैं इम्पेकेबल। क्या है इम्पेकेबल? इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। तो इम्पेकेबल का जो सिनोनिम होगा वो परफेक्ट। परफेक्ट में किसी बात की त्रुटि नहीं होती है। अगला हम देखते हैं डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ होता है जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? टेस्टी। अगला हम देखते हैं करेज। करेज का अर्थ होता है साहस, ठीक है। करेज का जो सिनोनिम है वो है ब्रेवरी। अगला देखते हैं क्या है वेनेजियंस। क्या है वेनेजियंस? वेनेजियंस का अर्थ होता है बदला, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा रिवेंज। अगला है व्रेथ। व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध, और व्रेथ का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। अगला है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर। एम्पल का जो सिनोनिम है वो है अबंडेंट। क्या है? अबंडेंट। अगला देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध, संदिग्ध, ठीक है। तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है अनुपालन करना या पालन करना। तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो है ओबेडियंस। क्या है? ओबेडियंस। तो ऑबिडियंस किसका है? कॉम्प्लियंस का सिनोनिम है। आगे हम देखते हैं डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी का अर्थ होता है असमानता, और डिस्पेरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वेलिटी। क्या होता है? इनइक्वेलिटी होता है डिस्पेरिटी के सिनोनिम। अगला हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। क्या है नॉन प्लस्ड? नॉन प्लस्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज। तो नॉन प्लस्ड का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड। आगे हम देखते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाली वस्तु या भयभीत करने वाली बात, ठीक है। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाला। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्राइटनिंग। क्या होता है? फ्राइटनिंग। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो गया? फ्राइटनिंग। अगला हम देखते हैं क्या है
सरीन, क्या सरीन, सरीन का अर्थ होता है क्या है, शांत, ठीक है। तो सरीन का जो सिनोनिम होगा वो होगा पीसफुल, सरीन, सरीन का अर्थ होता है शांत, सरीन का जो सिनोनिम है वो है पीसफुल। अगला है ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक का अर्थ होता है पागल, ठीक है, तो ल्यूनाटिक का जो सिनोनिम है वो है मैड। अगला हम देखते हैं विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता या चौकन्ना, ठीक है, तो विजिलेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या, वॉचफुलनेस, क्या, वॉचफुलनेस। अगला देखते हैं कंसिडरेट, कंसिडरेट का अर्थ होता है दूसरों का ख्याल रखने वाला या दूसरों का ध्यान देने वाला, तो कंसिडरेट का सिनोनिम है वो है केयरफुलनेस या हेल्पफुल, ठीक है, कंसिडरेट का सिनोनिम है केयरफुलनेस। ये पुस्तकालय, पुस्तकालय या अध्यक्ष में पूछा गया था, ये SCF में पूछा गया था अब ये प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जेन्युइन, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, वास्तविक इसका सिनोनिम होगा ऑथेंटिक, क्या, ऑथेंटिक, जेन्युइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। अगला हम देखते हैं एग्जैगरेट, क्या है एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ा कर बताना, तो ठीक है, तो एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का जो है वो सिनोनिम होगा ओवर स्टेट, क्या है ओवर स्टेट, तो एग्जैगरेट का जो सिनोनिम है वो है ओवर स्टेट। अगला हम देखते हैं ओरल, ओरल का अर्थ होता है मौखिक, ओरल का जो सिनोनिम है वो है वर्बल। अगला है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत, इनफाइनाइट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंडलेस। अगला हम देखते हैं स्प्लेंडिड, क्या है स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार, भव्य या प्रभावशाली, ठीक है, तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इंप्रेसिव, इसका अर्थ भी होता है प्रभावशाली, इंप्रेसिव। अगला हम देखते हैं अप्रूव, अप्रूव का अर्थ होता है समर्थन देना, ठीक है, अप्रूव का जो सिनोनिम है वो है इंडोर्स, इंडोर्स का अर्थ भी होता है समर्थन देना, ठीक है, अप्रूव कर देना। अगला हम देखते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और जो इसका जो सिनोनिम है वो है रिकैल्मेशन, क्या है रिकैल्मेशन, तो रिकैल्मेशन का अर्थ भी होता है संशोधन करना, तो रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन और रिकैल्मेशन का अर्थ भी होता है संशोधन। अगर अगला हम देखते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल का अर्थ होता है लौकिक या सांसारिक, इस संसार का, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है ये होता है वर्डली, क्या है वर्डली, वर्डली का अर्थ होता है इसी संसार का या सांसारिक। अगला हम देखते हैं इंडिजियस, इंडिजियस, इंडिजिनस, क्या है इंडिजिनस, इंडिजिनस का अर्थ होता है देसी या स्वदेशी, इंडिजिनस का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्या होता है नेटिव। अगला हम देखते हैं टीनेशियस, क्या है टीनेशियस, टीनेशियस का अर्थ होता है दृढ़, दृढ़ या सतर्क, ठीक है, तो टीनेशियस, टीनेशियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा परसिस्टेंट, क्या होगा परसिस्टेंट, इसका अर्थ भी होता है दृढ़। अगला हम देखते हैं जीनत, क्या है जीनत, जीनत का अर्थ होता है चोटी या चरम सीमा, ठीक है, तो जीनत का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्या होगा पीक, ये स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। अगला हम देखते हैं वॉरेशियस, क्या है वॉरेशियस, वॉरेशियस का अर्थ होता है भूखड़ या पेटू इंसान, इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रेवेनियस, क्या होता है रेवेनियस, क्या रेवेनियस, रेवेनियस किसका सिनोनिम है वो है वॉरेशियस का। अगला हम देखते हैं अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का अर्थ होता है वो होता है अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव का अर्थ होता है अनसक्सेसफुल। अगला है व्रत, व्रत का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, इसका सिनोनिम है एंगर। अगले हम देखते हैं वैनक्विश, क्या है वैनक्विश, वैनक्विश का अर्थ होता है किसी को पराजित कर लेना या किसी को जीत लेना, ठीक है, तो वैनक्विश का जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्कर, क्या होगा कॉन्कर, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित भी होता है और एकदम सही भी होता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक का जो सिनोनिम है वो है क्या परसाइज, क्या परसाइज। अगला हम देखते हैं मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार, तो मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रैंड, ग्रैंड का अर्थ भी होता है ग्रैंड, ग्रैंड का अर्थ क्या होता है भव्य या शानदार। अगला हम देखते हैं ब्लिस, ब्लिस का अर्थ होता है आनंद या खुशी, और ब्लिस का जो सिनोनिम है वो है हैप्पीनेस, इसका अर्थ भी है आनंद या खुशी। अगला हम देखते हैं परचेस, परचेस का अर्थ होता है किसी चीज को खरीदना, तो इसका सिनोनिम है बाय। अगला हम देखते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का अर्थ होता है क्या होता है चेकअप करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, तो इंस्पेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या है चेकअप। अगला हम देखते हैं ब्रेव, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुरी, तो ब्रेव का जो सिनोनिम है वो है वैलियंट, क्या है वैलियंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटली, टोटली का अर्थ होता है पूरा कंप्लीटली, ठीक है, टोटली का सिनोनिम होगा कंप्लीटली। अगला देखते हैं ब्रांच, ब्रांच का अर्थ होता है शाखा, ब्रांच का जो सिनोनिम हो गया वो क्या हो गया लिंब। अगला हम देखते हैं डंप, डंप का अर्थ होता है क्या होता है फेंकना या डालना, ठीक है, तो डंप का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्पोज ऑफ, क्या होगा डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिकेशियस, क्या है प्रेसिपिकेशियस,
तो प्रेस्पिकेसियस का अर्थ होता है चतुर या चालाक होना, ठीक है। तो प्रेस्पिकेसियस का अर्थ होता है चतुर, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है श्रिउड। क्या होता है? श्रिउड। इसका अर्थ होता है चालाक या चतुर या बुद्धिमान, ठीक है। अगला हम देखते हैं विट्यूपरेट। क्या है विट्यूपरेट? विट्यूपरेट का अर्थ होता है गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एब्यूज, एब्यूज करना। विट्यूपरेट का जो सिनोनिम है वो है एब्यूज करना। अभी हम देखते हैं एम्बेजल। क्या है एम्बेजल? एम्बेजल का अर्थ होता है गबन करना, ठीक है। तो एम्बेजल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट। क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में कन्फ्यूजेबल वर्ड के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कन्फ्यूजेबल वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है अलग अलग। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? कन्फ्यूजेबल वर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला है QUITE, QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। क्या होता है? काफ़ी हद तक। ओके, और लेकिन QUIET, QUIET का मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। QUITE का मतलब होता है काफ़ी हद तक, और जबकि QUIET का मतलब होता है शांत। ओके, नेक्स्ट है कि क्विट, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो QUIT का मतलब होता है काफ़ी हद तक, QUIET का मतलब होता है शांत, और QUIT क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ओके, नेक्स्ट है कि एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। लेकिन इलेजिबल क्या है? सेकंड, इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय, ठीक है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय। ओके, नेक्स्ट है कि माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का अर्थ होता है प्रवासी। माइग्रेटेड का अर्थ क्या होता है? प्रवासी। सेकंड है कि IMMIGRATED, इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन। क्या होता है? आगमन, ठीक है। नेक्स्ट है कि E-migrated, EMIGRATED, E-migrated, E-migrated का मतलब होता है निर्गमन। क्या होता है? निर्गमन। माइग्रेटेड का मतलब होता है प्रवासी, इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है आगमन, और जबकि E-migrated, E-migrated का अर्थ होता है निर्गमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है कि आरोहण या चढ़ाई, ठीक है। ASCENT, एसेंट का मतलब होता है आरोहण या चढ़ाई। लेकिन ASCENT, एसेंट, ASCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। ASCENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। और ACENT, एक्सेंट, ACENT से क्या बोला जाता है? एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण, ठीक है। तो ASCENT का मतलब होता है आरोहण, ठीक है। ACENT, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। ACENT, एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है स्वराघात या उच्चारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडी। रेडी का मतलब होता है कि तैयार। रेडी का मतलब होता है तैयार, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब ALREADY, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट की ALLREADY, ऑल, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार, ठीक है। रेडी का मतलब होता है तैयार, ALREADY, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ALLREADY, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है सब तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PRINCIPAL, प्रिंसिपल। PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, ठीक है। जबकि PRINCIPLE, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। PRINCIPAL का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, और PRINCIPLE का मतलब होता है सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। क्या होता है? कुल मिलाकर। ALTOGETHER, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। ओके, नेक्स्ट है कि ALL, ऑल टुगेदर, ALL,
ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ, ALL आल TOGETHER ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ। नेक्स्ट है कि ऑल टू गेदर, ALL ऑल टू गेदर इसका मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करने हेतु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DUAL ड्यूअल, DUAL का मतलब होता है दोहरी, क्या होता है दोहरी, DUAL ड्यूअल का मतलब होता है दोहरी, जबकि DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल युद्ध, DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध या मल युद्ध, और DUAL का मतलब होता है दोहरी। ओके नेक्स्ट है कि ALTAR अल्टर का मतलब होता है वेदी या बलिवेदी, क्या होता है ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलिवेदी, जबकि ALTER अल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है, ALTAR का मतलब होता है वेदी या बलिवेदी, जबकि ALTER का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। ओके नेक्स्ट है कि BER बियर, बियर का मतलब होता है धारण करना, सहन करना और भालू, BER का मतलब होता है कि धारण करना भी होता है, सहन करना और भालू, ये सब किसके अर्थ है BER बियर के, जबकि BER का मतलब होता है जो कि शराब, मतलब एक प्रकार की शराब होती है, BER होती है एक प्रकार की शराब, जबकि BER होती है धारण करना या भालू। नेक्स्ट है कि LED लेड, लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, LED लेड, लेड होती है वो लीड की क्या है सेकंड फॉर्म है, लेड लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक है, जबकि LAID लेड, लेड का मतलब होता है रखना, LAID का मतलब होता है रखना। ठीक है, और जबकि लाइड LIED लाइड, लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, क्या होता है झूठ बोलना, LED का मतलब होता है नेतृत्व करना, LAID का मतलब होता है रखना, और LIED लाइट, लाइट का मतलब होता है झूठ बोलना। ओके नेक्स्ट है कि अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, अफेक्ट का ममतलब होता है प्रभावित करना, जबकि EFFECT इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट का मतलब क्या होता है प्रभाव, और जबकि अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, AFFECT अफेक्ट मतलब किसी को प्रभावित करना। ठीक है, जबकि DEFFECT इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर प्रभाव, मतलब किसी चीज का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और जबकि अफेक्ट का मतलब होता है कि प्रभावित करना। ओके नेक्स्ट है कि PAIL पेल, पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन, PAIL पेल का मतलब होता है पात्र या बर्तन, जबकि PALE पेल, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, क्या होता है PAIL का मतलब होता है पात्र या बर्तन, जबकि PALE का मतलब होता है पीला पड़ना। ओके नेक्स्ट है कि PAL पाल, पाल का मतलब होता है मित्र या दोस्त, PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त, जबकि PALL पाल का मतलब होता है कष्ट देना या आवरण, PAL का मतलब होता है मित्र या दोस्त, जबकि PALL का मतलब होता है कि कष्ट देना या आवरण। नेक्स्ट है कि SIGHT साइट, साइट का मतलब होता है कि देखना, SIGHT का मतलब होता है देखना, जबकि SITE साइट, साइट का मतलब होता है कोई स्थान, SIGHT साइट का मतलब होता है देखना, जबकि SITE का मतलब होता है स्थान, जबकि CITE का मतलब होता है बुलाना या तलब करना, अदालत अगर में तलब किया जाता है तो उसको कहा जाता है साइट, SIGHT साइट का मतलब होता है देखना, SITE का मतलब होता है स्थान, जबकि CITE का मतलब होता है बुलाना या तलब करना। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि EXPECT एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से अपेक्षा करना या उम्मीद करना। ठीक है, EXPECT एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा या उम्मीद। नेक्स्ट है कि EXCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त, किसी चीज़ के अलावा या अतिरिक्त, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट, ACCEPT
ईपीटी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। अब तीन है, एक तो एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा या उम्मीद करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि के अलावा या अतिरिक्त। नेक्स्ट है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है स्वीकार करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी ई आई एल वेल, वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। वी ई आई एल वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। डब्ल्यू ए आई एल वेल, वेल का मतलब होता है विलाप करना या रोना धोना। डब्ल्यू ए आई एल वेल का मतलब होता है रोना धोना या विलाप करना। डब्ल्यू ई डबल एल वेल, वेल का मतलब होता है कि कुआ या अच्छा। कुआं भी मतलब होता है और अच्छा भी मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट के वी ए एल ई वेल, वेल का मतलब होता है घाटी या दर्रा। एक बार वापस देखते हैं, वी ई आई एल वेल का मतलब होता है आवरण या पर्दा। डब्ल्यू ए आई एल वेल, वेल का मतलब होता है रोना धोना या विलाप करना। डब्ल्यू ई डबल एल वेल का मतलब होता है कुआं या अच्छा। और वी ए एल ई वेल, वेल का मतलब होता है घाटी या दर्रा। ओके नेक्स्ट है कि सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी ए है, डी ए एन टी कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास पात्र, जबकि सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास, ठीक है। सी ओ एन एफ आई डी ए एन टी यहाँ पर तो क्या है ए है, और जबकि सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी यहाँ पर है ई, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, जबकि सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। विश्वास पात्र तो वह व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ओ यू एन सी आई एल काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है समिति, क्या होता है समिति, जबकि सी ओ यू एन सी ई एल काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सलाह या परामर्श करना। सी ओ यू एन सी आई एल काउंसिल का मतलब होता है समिति, जबकि सी ओ यू एन सी ई एल का मतलब होता है सलाह या परामर्श करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह, क्या होता है नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह, जबकि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, क्या होता है नगण्य। नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह, जबकि नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ओ एस ई डोज, डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा। डी ओ एस ई डोज, डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा, मतलब किसी दवाई की खुराक या भोजन की खुराक, ठीक है। डी ओ एस ई डोज, ठीक। जबकि डी ओ ई एस डज, डज का मतलब होता है किसी कार्य को करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी ओ जेड डी डज, डज का मतलब होता है जबकि लेना या उंगाना, ठीक है। डी ओ एस ई डोज का मतलब होता है खुराक या मात्रा। डी ओ ई एस डज का मतलब होता है किसी कार्य को करना। डी ओ जेड डी डज, डज का मतलब होता है जबकि लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एल एन ई प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान। पी एल एन ई प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान, ठीक है। जबकि पी एल ए आई एन प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सादा, सरल, समतल। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है विमान, जबकि पी एल ए आई एन प्लेन का मतलब होता है सादा, सरल, समतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डी ई ए एल आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आई डी ई ए एल आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। जबकि आई डी एल ई आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। आई डी एल ई आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। और आई डी ई ए एल आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट की आई डी ओ एल आइडल, आई डी ओ एल का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं, आई डी ई ए एल आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जबकि आई डी एल ई आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी। आई डी ओ एल आइडल, आइडल का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। ओके नेक्स्ट है कि डी आई डबल एफ यू एस ई डिफ्यूज, डी आई डबल एफ यू एस ई डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, प्रसारित करना, ठीक है। डी आई डबल एफ यू एस ई डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब फैलाना, प्रसारित करना। जबकि डी ई एफ यू एस ई डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है शांत करना। किसी बॉम्ब वगैरह होता है ना, उसको डिफ्यूज करते हैं, तो वो उसके लिए वर्ड कौन सा है, डी ई
FUSC डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ का मतलब शांत करना, जबकि DIFFUSE डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट की METTLE, मेटल, मेटल का मतलब होता है उत्साह या शूरता, वीरता। METTLE का मतलब होता है उत्साह, शूरता, वीरता, जबकि METAL, मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु, ठीक है। METTLE, मेटल, मेटल का मतलब होता है उत्साह, शूरता। METAL, मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा या अभिवादन, ठीक है। जबकि COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। COMPLI यहाँ पर तो क्या है, आई है, जबकि यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, जबकि COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ओके 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 नेक्स्ट है कि EMMINENT, एमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ। EMMINENT, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ, ठीक है। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ, जबकि EMINENT, एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या प्रसिद्ध, ठीक है। IMMINENT, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ या समीपस्थ, जबकि EMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात या प्रसिद्ध। ओके नेक्स्ट है कि HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ करना या रोग मुक्त करना। HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ करना या रोग मुक्त करना, जबकि HEEL, हील, हील का मतलब होता है झुकाव या AD, ठीक है। HEAL, हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ या रोग मुक्त करना, जबकि HEEL, हील, हील का मतलब होता है AD या झुकाव। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DESCEND, डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, असेंड का विलोम शब्द होता है, ठीक है। DESCEND, डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, जबकि DISSENT, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति या मतभेद। DISSENT, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति या मतभेद, जबकि DESCEND, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। नेक्स्ट है कि CARWR, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय, नौकरी, पेशा। CARWR, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है पेशा, ठीक है। जबकि CARRIER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है वाहक। तो CARWR, कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय या पेशा, जबकि CARRIER, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है वाहक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CONCIOUS, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना या जागृत होना, ठीक है। CONSCIOUS, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेत या जागृत, जबकि CONSCIENCE, कॉन्शियंस, CONSCIENCE, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक या अच्छे बुरे की समझ, ठीक है। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है विवेक या अच्छे बुरे की समझ, जबकि कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत या जागृत, जबकि कॉन्शियंस का मतलब होता है कि विवेक या अच्छे बुरे की समझ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHORES, चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य। CHORES, चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य, ठीक है। CORSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट। CORSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट, जबकि CURSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली, ठीक है। CORSE, कोर्स का मतलब तो क्या होता है, असभ्य या अशिष्ट, जबकि CURSE, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली,
ठीक है। नेक्स्ट है कि CORES कोर्स, CORES कोर्स, कोर्स का मतलब होता है गुद्दा, जो लकड़ी वगैरह का गुद्दा होता है ना, CORES कोर्स यानी गुद्दा, लकड़ी वगैरह का गुद्दा, ठीक है। तो एक बार वापस देखते हैं कि CHORES चोर्स, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य, CORSE कोर्स, कोर्स का मतलब होता है असभ्य या अशिष्ट, CURSE, CURSE का मतलब होता है कार्य प्रणाली, क्या होता है कार्य प्रणाली, जबकि CORES कोर्स, CORES का मतलब होता है लकड़ी का गुद्दा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, क्या होता है गोद लेना, ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जबकि ADAPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूलन होना, ठीक है। अडेप्टेशन होता है ना अनुकूलन, तो ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट है कि EADEPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण या दक्ष, ADEPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण या दक्ष। नेक्स्ट की ADJURE, एडज्योर, एडज्योर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना, क्या होता है शपथ लेकर कहना, एडज्योर का मतलब। एक बार वापस देखते हैं कि ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ADAPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन, ADEPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या निपुण, ठीक है। ADJURE, एडज्योर, एडज्योर, एडजर का मतलब होता है शपथ लेकर कहना। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आस्तिक, वो कहलाता है थीस्ट, क्या, THEIST, थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या कहलाता है, थीस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वू ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक अबाउट हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में ही बोलता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है ईगोइस्ट, क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। ए पर्सन वू ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक अबाउट हिमसेल्फ, क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है, इनऑडिबल, क्या, इनऑडिबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड क्या कहलाती है, इनऑडिबल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग ए डिसप्रोपोर्शनली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इज, वो ऐसा रोग जो कि पूरी विश्व में होता है, पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैंडेमिक, क्या कहलाता है, पैंडेमिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, नवजात बच्चे की हत्या करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड, क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है इन्फेंटिसाइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइबल टू बी ईजीली ब्रोकन, लाइबल टू बी ईजीली ब्रोकन, इसका वन वर्ड बताना है, इसका वन वर्ड होता है ब्रिटल, ऐसी वस्तु जिसे कि आसानी से तोड़ा जा सकता है वो क्या कहलाती है, ब्रिटल, या यानी कि भंगुर, लाइबल टू बी ईजीली ब्रोकन कहलाएगी ब्रिटल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन वो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन बींग्स, ऐसा व्यक्ति जो कि आकाशीय पिंडों के मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर, क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजर। ए पर्सन वो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए जो उपाय कारगर हो वो क्या कहलाता है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब ऐसा उपाय जो कि सभी बीमारियों में कारगर हो वो कहलाता है पेनेशिया, पेनेशिया को हिंदी में कहते हैं रामबाण, रामबाण, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज कहलाता है पेनेशिया, यानी कि रामबाण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिंग ऑफ सेल्फ यानी कि अपनी हत्या करना, तो किलिंग ऑफ सेल्फ क्या कहलाता है, सुसाइड, क्या, सुसाइड, किलिंग ऑफ सेल्फ कहलाता है सुसाइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विच नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
एंड सोसाइटीज, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज। वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, एक व्यक्ति जो कि स्टाम्प को कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिलाटेलिस्ट। क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प्स कहलाता है फिलाटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनऑडिबल। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड वो कहलाती है इनऑडिबल, ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रन बाय पीपल, ऐसी सरकार जो कि प्रजा द्वारा चलाई जाती है वो कहलाती है डेमोक्रेसी। क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय पीपल कहलाती है डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग कैप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ऐसी चीज़ जो कि है ना किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोवेनियर। क्या कहलाता है? सोवेनियर। ऐसी वस्तु जो कि किसी इवेंट के रिमाइंडर के रूप में रखी जाती है वो कहलाती है सोवेनियर। नेक्स्ट है कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है? तो प्लांट की स्टडी कहलाती है बॉटनी, पेड़ पौधों का अध्ययन करना कहलाता है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ ए किंग, मतलब राजा की हत्या करना, द मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग कहलाता है रिजिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन, सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कठोर और निरंकुश उपचार के अधीन, तो वो होता है, उसका वन वर्ड है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित। सब्जेक्ट टू हार्श एंड ऑथोरिटेरियन ट्रीटमेंट का वन वर्ड होगा ऑप्रेस्ड, यानी कि उत्पीड़ित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड क्या कहलाता है? इललेजिबल। क्या कहलाता है? इललेजिबल। ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो कहलाती है इललेजिबल, अपठनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स वो क्या कहलाता है? एन ऑर्फन। क्या कहलाता है? एन ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स कहलाता है एन ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे की हत्या करना, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड कहलाता है, वो कहलाता है फिलिसाइड। क्या कहलाता है? फिलिसाइड। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे की हत्या करना कहलाता है फिलिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वू कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ऐसा लेखक जो कि दूसरे राइटर्स से कॉपी करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट। क्या कहलाता है? प्लेजियारिस्ट। वन वू कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वो कहलाता है प्लेजियारिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, ऐसा रोग जो कि मरने पर ही मिटता है, ऐसा रोग जो कि मृत्यु के साथ ही ख़त्म होता है, मतलब जिस रोग का कोई इलाज नहीं है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसा रोग जो कि इंसान की मौत करवा देता है, ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ क्या कहलाता है? इसके है ना जो आंसर थे वो दो आंसर थे, पहला तो फैटल और दूसरा लीथल। ऐसा रोग जो कि ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, इसका आंसर होगा एक तो होगा फैटल और दूसरा लीथल, ठीक है, घातक रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड राइटिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी लिखावट जिसे कि पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या कहलाती है? इललेजिबल। क्या कहलाती है? इललेजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर क्रैप्ड बिटवीन फ्लाइट्स, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि एयरक्राफ्ट यानी कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाती है हैंगर। क्या कहलाता है? हैंगर। ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर क्रैप्ड बिटवीन फ्लाइट्स,
ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि विमानों को रखा जाता है वो कहलाता है हैंगर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बेसिक यूनिट कौन सी होती है, वो होती है BYTE बाइट। स्पेलिंग का ध्यान रखना है BYTE बाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजन के लिए मर्डर करना क्या कहलाता है, एजाजिनेशन, क्या कहलाता है, एजाजिनेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, ऐसा व्यक्ति जो कि काम नहीं करना चाहता वो कहलाता है लेजी, क्या कहलाता है, लेजी। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क कहलाता है लेजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, मतलब ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत अधिक भोजन खाता है वो कहलाता है ग्लटन, ग्लटन का अर्थ होता है पेटू। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड वो होता है ग्लटन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, ये क्या कहलाता है, एस्टिमेट, क्या कहलाता है, एस्टिमेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में अपन से दो वन वर्ड पूछे हैं, ठीक है। पहला तो है फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि बंद स्थानों से जो डर लगता है ना वो क्या कहलाता है, फियर ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस यानी बंद स्थानों का डर वो कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और दूसरा वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ एन इररेजिस्टेबल डिजायर टू स्टील, ऐसा व्यक्ति जिसमें कि चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक, क्या कहलाता है, क्लिप्टोमैनियाक। ओके तो इसमें दो वन वर्ड पूछे हैं, पहला तो है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस वो होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया, और दूसरा होगा है ए पर्सन हु हैज़ एन इररेजिस्टेबल डिजायर टू स्टील वो कहलाता है क्लिप्टोमैनियाक, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु डजंट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो कि मांस नहीं खाता वो कहलाता है वेजिटेरियन, क्या कहलाता है, वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, मतलब चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील वो कहलाती है क्लेप्टोमेनिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वो प्रैक्टिस सेल्फ डेनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्ति कहलाता है एसेटिक, क्या कहलाता है, एसेटिक। एसेटिक का अर्थ होता है तपस्वी या मुनि। वन वो प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ वो कहलाता है एसेटिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वो डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड, ऐसा व्यक्ति जो कि महान कार्यों के लिए मरता है वो कहलाता है मार्टियर, क्या कहलाता है, मार्टियर यानी कि शहीद। वन वो डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड मार्टियर। वीडियो में हम RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली परीक्षा में एंटोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ओके तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स होगा नेचुरल, नेचुरल जिसका मतलब होगा प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स है नेचुरल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रिफ्रेन, क्या है, रिफ्रेन, रिफ्रेन का एंटोनिम बताना है। रिफ्रेन का मतलब होता है कि रुक जाना, ठीक है। तो रिफ्रेन का जो एंटोनिम होगा उसका मतलब वो होगा कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रुक जाना, और तो रिफ्रेन का एंटोनिम होगा कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ड है साइलेंट, साइलेंट का एंटोनिम बताना है। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि शांत रहना, ठीक है। तो साइलेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा नोइजी यानी कि शोर शराबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि रेटिशियंट, एक वर्ड है रेटिशेंट, रेटिशेंट का जो एंटोनिम बताना है, ठीक है। रेटिशेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला, रेटिशेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला, रेटिशेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो रेटिशेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आउट स्पोकन, क्या होगा, आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब होता है कि
अधिक बोलने वाला या मुंह फट इंसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि वर्ड दिया हुआ है स्टूपिड, स्टूपिड का एंटोनिम बताना है। स्टूपिड का मतलब होता है कि बेवकूफ, तो स्टूपिड का एंटोनिम है क्लीवर, यानी कि चतुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनॉर्मस, एक वर्ड है इनॉर्मस, इसका एंटोनिम बताना है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, क्या होता है विशाल। ठीक है, तो इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी, टिनी का मतलब क्या होता है एकदम छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट वर्ड का एंटोनिम बताना है। ठीक है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि काल विरुद्ध, यानी कि बीते समय का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, इसी काल का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का होता है काल विरुद्ध या बीते समय का, और कंटेम्परेरी होता है उसका मतलब कि समकालीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है लीचरस, लीचरस का एंटोनिम बताना है। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट, लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है, तो लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है अभ्रष्ट। ठीक है, लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट, लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट, यानी कि अभ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रेलिनक्विस, क्या है रेलिनक्विस, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो रेलिनक्विस का मतलब होता है कि त्यागना, त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना, रेलिनक्विस का मतलब। ठीक है, तो रेलिनक्विस का एंटोनिम होगा पजेस, पजेस यानी कि प्राप्त करना। ठीक है, रेलिनक्विस का एंटोनिम होगा पजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है काम, काम काम वर्ड है ना, उसका एंटोनिम बताना है। तो काम का मतलब होता है कि शांत रहना, काम का मतलब क्या है शांत रहना। ठीक है, तो काम का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्साइट, यानी कि उत्तेजित होना, काम का एंटोनिम है एक्साइट यानी उत्तेजित होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोडस, वर्ड है कि एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है कि बहिर्गमन, यानी कि बाहर की तरफ जाना। एक्सोडस का एंटोनिम होगा उसका वो होगा कि होम कमिंग, यानी कि घर की तरफ वापसी। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन, और इसका एंटोनिम होगा होम कमिंग, होम कमिंग यानी कि घर की तरफ वापसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलो, सैलो का मतलब होता है छिछला, मतलब ऐसा बहुत ही कम गहरा पानी होता है ना, उससे कहते हैं सैलो। ठीक है, तो सैलो का मतलब होता है छिछला, तो सैलो का जो एंटोनिम होगा वो होगा डीप, यानी कि गहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेंड, एसेंड का एंटोनिम बताना है। एसेंड का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना, तो एसेंड का एंटोनिम होगा डिसेंड, क्या होगा डिसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू, ट्रू का एंटोनिम बताना है। ट्रू का मतलब होता है सही, और ट्रू का एंटोनिम होगा फाल्स, फाल्स मतलब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई का एंटोनिम बताना है। मॉर्टिफाई का मतलब होता है कि अपमानित करना, क्या होता है अपमानित करना, अपमानित करना। ठीक है, मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, तो मॉर्टिफाई का जो एंटोनिम होगा उसका मतलब होगा हॉनर, हॉनर ये मतलब ऑनर मतलब सम्मान देना, ऑनर। ठीक है, मॉर्टिफाई का जो एंटोनिम है वो है ऑनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है टेंजिबल, क्या है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है कि वास्तविक यानी मूर्त, या कि इहलौकिक, वास्तविक मूर्त इहलौकिक मतलब इसी संसार का। तो इसका इसका जो एंटोनिम होगा, उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एथरियल, क्या होगा एथरियल मतलब अलौकिक, अलौकिक होगा। ठीक है, तो टेंजिबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा इथेरियल मतलब अलौकिक। टेंजिबल का मतलब होता है कि मूर्त, और इथेरियल का मतलब होता है अलौकिक मतलब किसी अन्य लोक का। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इमर्ज, किस वर्ड का एंटोनिम बताना है। इमर्ज, इस वर्ड का एंटोनिम से बताना है। इमर्ज का मतलब होता है कि प्रकट करना, क्या होता है प्रकट होना। ठीक है, तो इमर्ज का एंटोनिम होगा क्या डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, तो इमर्ज का एंटोनिम होगा डिसअपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्रैक्ट, अट्रैक्ट वर्ड का एंटोनिम बताना है। अट्रैक्ट का मतलब होता है कि आकर्षित, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित, तो अट्रैक्ट का एंटोनिम होगा रिपेल, क्या होगा रिपेल, रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है ना, अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो ये है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कि सफलता, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ठीक है। तो सक्सेस का एंटोनिम होगा वो होगा क्या, फेलियर। फेलियर का मतलब होता है कि विफलता, ठीक है। सक्सेस का एंटोनिम होगा फेलियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब होता है कि खारिज करना। डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है, खारिज करना, ठीक है। तो डिसमिस्ड का जो एंटोनिम होगा उस वो होगा एक्सेप्टेड। क्या होगा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो डिसमिस्ड का एंटोनिम होगा एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्ट्री वर्ड है, विक्ट्री। विक्ट्री विक्ट्री का एंटोनिम बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है कि जीत। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत। तो विक्ट्री का एंटोनिम होगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है कि इसका ब्रॉड का। तो ब्रॉड का मतलब होता है कि चौड़ा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, ठीक है। तो ब्रॉड का एंटोनिम होगा क्या होगा, वो होगा नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, मतलब संकरा, संकरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है अपन को कौन से वर्ड का, फिडेलिटी। किसका, फिडेलिटी का। तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीयता। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता। तो फिडेलिटी का एंटोनिम होगा इनफिडेलिटी। क्या होगा, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होगा अविश्वसनीयता या अनिश्चितता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब वर्ड जाइगेंटिक। जाइगेंटिक वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है कि विशाल। क्या होता है, विशाल। जाइगेंटिक वर्ड का मतलब होता है विशाल। तो जाइगेंटिक का एंटोनिम होगा वो होगा प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है नन्हा, मतलब छोटा, नन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। हॉर्ड का मतलब होता है कि जमा करना या संचित करना। हॉर्ड का मतलब होता है जमा करना या संचित करना, ठीक है। तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कि बर्बाद करना या फिर गंवा देना, ठीक है। तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनक्रीज। इनक्रीज का एंटोनिम बताना है। तो इनक्रीज का होगा डिक्रीज। इनक्रीज का एंटोनिम होगा डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट। जस्ट का एंटोनिम बताना है। जस्ट का मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है कि न्यायपूर्ण। क्या होता है, न्याय, न्यायपूर्ण, ठीक है। तो जस्ट का एंटोनिम होगा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे कि रीट 2021 या अन्य दूसरी परीक्षाओं जिनमें कि सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड है सिरिन। सिरिन वर्ड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो सिरिन, सिरिन का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो सिरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। सिरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। पीसफुल का अर्थ भी होता है शांत और सिरिन का अर्थ भी होता है शांत। तो सिरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग। मतलब कौन सा पेयर है वो कि सिमिलर है, यानी कि सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, लूनाटिक। लूनाटिक का अर्थ होता है पागल और मैड। मैड का अर्थ भी होता है पागल। तो लूनाटिक का सिनोनिम क्या है, मैड। ओके, लूनाटिक, लूनाटिक का सिनोनिम है मैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है विजिलेंस। क्या है, विजिलेंस। विजिलेंस का सिनोनिम बताना है। तो विजिलेंस का अर्थ होता है कि सतर्कता। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता, ठीक है। विजिलेंस का सिनोनिम होगा वॉचफुलनेस। क्या होगा, वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का अर्थ भी होता है सतर्कता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट है कि टेनेशियस। क्या है, टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो टेनेशियस का अर्थ होता है कि सख्त या दृढ़। टेनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सख्त। तो टेनेशियस का सिनोनिम होगा परसिस्टेंट। क्या होगा, परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट का अर्थ भी होता है दृढ़ या सख्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का सिनोनिम बताना है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट या निश्चित, कोई निश्चित चीज़ या विशिष्ट चीज़। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। क्या होगा, प्रीसाइज। प्रीसाइज का अर्थ भी होता है निश्चित। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्रत। वर्ड है WRATH, व्रत।
व्रात का अर्थ होता है कि क्रोध, तो व्रात का अर्थ सिनोनिम होगा वो होगा एंगर, व्रात का सिनोनिम होगा एंगर यानी कि क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनक्विश क्या है, VANQUISH वैनक्विश, वैनक्विश का अर्थ होता है कि हराना या पराजित करना, ठीक है, वैनक्विश का अर्थ होता है हराना या पराजित करना। तो वैनक्विश का सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्क्वर, क्या होगा, CONQUER कॉन्क्वर, ठीक है, वैनक्विश का सिनोनिम होगा कॉन्क्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनत क्या है, जीनित, जीनित का सिनोनिम होगा, जीनत का अर्थ होता है कि चोटी या चरम सीमा, ठीक है, तो जीनित का सिनोनिम होगा वो होगा पीक, पीक का अर्थ भी क्या होता है, चोटी चरम सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरेशियस क्या है, वॉरेशियस, वॉरेशियस का सिनोनिम बताना है, तो वॉरेशियस का अर्थ होता है, वॉरेशियस का अर्थ होता है कि भुक्खड़, वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़, ठीक है, तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा वो होगा रेवनस, क्या होगा, RAVENOUS रेवनस, रेवनस का अर्थ भी होता है भुक्खड़, तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा भुक्खड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का सिनोनिम बताना है, अबॉर्टिव का सिनोनिम होता है अनसक्सेसफुल, क्या होता है, अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव का सिनोनिम अनसक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट है कि अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है कि, अबेंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना, ठीक है, तो अबेंडन का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना, ठीक है, अबेंडन का सिनोनिम होगा डिस्कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्सेंस क्या है, OBSCENE ऑब्सेंस, ऑब्सेंस का मतलब होता है कि गंदा या भद्दा, ठीक है, ऑब्सेंस का मतलब होता है गंदा या भद्दा, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इनडिसेंट, इनडिसेंट का अर्थ भी होता है गंदा, तो ऑब्सेंस का सिनोनिम होगा इनडिसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट है कि अनएबेसेडली क्या है, वर्ड अनएबेसेडली, तो अनएबेसेडली का मतलब होता है कि शर्महीन, अनएबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा विथ नो साइन ऑफ बींग अशेम्ड, यानी कि शर्महीन, शेमलेस, विथ नो साइन ऑफ बींग अशेम्ड, एबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन या शेमलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट है कि बीनाइन वर्ड है, बीनाइन, बीनाइन का मतलब होता है सौम्य, ठीक है, तो बीनाइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा काइंडली, काइंडली का मतलब भी क्या होता है, सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूबियस क्या है, वर्ड ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है कि डाउट, संदेहस्पद या संदिग्ध, ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहस्पद, ठीक है, तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल, क्या होगा, डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ओमिनस क्या है, ओमिनस, OMINOUS ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है यानी डराना या धमकी देना, ठीक है, तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थ्रेटनिंग, क्या होगा, थ्रेटनिंग, इसका अर्थ भी होता है डराना या धमकी देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्रात, व्रात का अर्थ होता है कि क्रोध, गुस्सा, तो व्रात का सिनोनिम होगा वो होगा एंगर, एंगर का अर्थ भी होता है क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पल, एम्पल का अर्थ होता है कि प्रचुर, एम्पल का अर्थ क्या होता है, प्रचुर, तो एम्पल का जो सिनोनिम होगा वो होगा अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर, एम्पल का सिनोनिम होगा अबंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहस्पद, ठीक है, एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहस्पद, तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल, डाउटफुल का अर्थ भी होता है संदिग्ध या संदेहस्पद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस वर्ड है, तो कॉम्प्लियंस वर्ड का मतलब होता है पालन करना या अनुपालन करना, ठीक है, तो कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑबिडियंस, क्या होगा, ऑबिडियंस, ऑबिडियंस का मतलब भी होता है अनुपालन करना या पालन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पैरिटी क्या है, वर्ड डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि असमानता, तो डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इन इक्वेलिटी, क्या होता है, इन इक्वेलिटी। क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है किसका, हंगरी का, तो हंगरी का मतलब होता है भूखा, क्या होता है, भूखा, ठीक है, तो हंगरी का जो सिनोनिम्स होगा ना इनमें से वो क्या होगा, स्टार्विंग,
स्टार्विंग का मतलब भी होता है भूखा, तो हंग्री का सिनोनिम है स्टार्विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टर किसका सिनोनिम बताना है, पिस्टर का। तो पिस्टर का मतलब होता है सताना, क्या होता है सताना, ठीक है। तो पिस्टर का मतलब होता है सताना, तो पिस्टर का सिनोनिम्स होगा एनोय, क्या होगा एनोय, एनोय का मतलब भी क्या होता है सताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, जुवेनाइल, जुवेनाइल का सिनोनिम बताना है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चा या अल्पवयस्क बच्चा या किशोर, तो जुवेनाइल का इसमें से जो सिनोनिम होगा ना वो होगा चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बचकाना बच्चा, तो जुवेनाइल का सिनोनिम है चाइल्डिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, एसिमिलेट का, किसका एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, क्या होता है आत्मसात करना, ठीक है। तो इसमें से एसिमिलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब, क्या होगा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है आत्मसात करना, ठीक है, एसिमिलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका, बूस्ट का, बूस्ट का मतलब होता है कि बढ़ाना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो बूस्ट का सिनोनिम होगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, बूस्ट का मतलब ही क्या होता है बढ़ाना, तो बूस्ट का सिनोनिम से इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, एडेज का, किसका एडेज, एडेज का मतलब होता है कि कहावत, क्या होता है कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम इनमें से कौन सा है, वो है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब भी क्या होता है कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम है प्रोवर्ब, इन दोनों का मतलब क्या होता है कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, रिलक्टेंस, किसका रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, क्या होता है अनिच्छा, ठीक है, अनिच्छा या बिना इच्छा के, ठीक है, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा या बिना इच्छा के। तो रिलक्टेंस का सिनोनिम्स होगा अनविलिंगनेस, क्या होगा अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस का मतलब भी क्या होता है बिना इच्छा के या अनिच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है किसका, डेस्पाइस, किसका सिनोनिम बताना है, डेस्पाइस, डेस्पाइस का मतलब होता है कि घृणा, डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। तो डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, तो डेस्पाइस का सिनोनिम इनमें से क्या होगा, वो होगा हेट, हेट का मतलब भी होता है घृणा या नफरत, तो डेस्पाइस का सिनोनिम है हेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको सिनोनिम बताना है हेस्ट का, क्या हेस्ट का सिनोनिम बताना है, तो हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से, हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से, ठीक है। तो हेस्ट का सिनोनिम होगा ब्रिस्क, क्या होगा ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेजी या जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है इंडिक्ट का, किसका इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब होता है कि दोषी ठहराना या दोषी, दोष लगाना या दोषी ठहराना, इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है। तो इंडिक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूज, एक्यूज का मतलब भी क्या होता है दोषी ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किसका सिनोनिम सोलेस का, किसका सोलेस, सोलेस का सिनोनिम पूछा गया है, तो सोलेस का मतलब होता है कि सांत्वना, क्या देना सांत्वना, ठीक है, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा इसमें से कम्फर्ट, कम्फर्ट का मतलब भी क्या होता है सांत्वना, ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा कम्फर्ट, कम्फर्ट का एक मतलब आराम करना भी होता है लेकिन इसका मतलब सांत्वना भी होता है, ठीक है। तो सोलेस का मतलब है सांत्वना, इसका सिनोनिम है कम्फर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है, डिसमल, डिसमल का सिनोनिम बताना है, तो डिसमल का मतलब क्या होता है निराशाजनक, क्या डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक, ठीक है। तो डिसमल का जो अपन को सिनोनिम बताना है, डिसमल का सिनोनिम होता है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है निराशाजनक। ओके, तो डिसमल का सिनोनिम है ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रिट, एंट्रिट का सिनोनिम बताना है, किसका एंट्रिट, एंट्रिट का मतलब होता है कि प्रार्थना करना या विनती करना, ये मतलब होता है कि एंट्रिट का, ठीक है, विनती करना या प्रार्थना करना। तो एंट्रिट का जो सिनोनिम है वो है प्रे, क्या है PRAY, ये याद रखना है PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना, जबकि PREY का मतलब होता है कि शिकार, ठीक है। तो एंट्रिट यानी विनती करना, इसका सिनोनिम होगा PRAY, प्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट, किसका सिनोनिम बताना है अपन को, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का सिनोनिम बताना है,
एग्जैक्ट का मतलब होता है कि सटीक, एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, ठीक है। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा इनमें से क्या, एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है, सटीक। तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम है मिनिमम, मिनिमम का सिनोनिम बताना है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, तो इसमें से जो मिनिमम का सिनोनिम होगा उसका वह है लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब भी होता है सबसे कम, तो मिनिमम का सिनोनिम है लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावर्ड, कावर्ड का सिनोनिम बताना है। कावर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक, कावर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक, ये होता है, ठीक है। तो कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है मिल्क सोप, क्या है, मिल्क सोप, मिल्क सोप है कावर्ड का सिनोनिम। दोनों का मतलब क्या होता है, कायर या डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉम्पस किसका सिनोनिम बताना है, पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। पॉम्पस का सिनोनिम मतलब होता है कि अभिमानी या गर्व करने वाला, पॉम्पस का मतलब होता है अभिमानी या गर्व करने वाला, गर्वित। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस, क्या होगा, प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब भी क्या होता है, अभिमान करने वाला, अभिमानी, ठीक है। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का सिनोनिम, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, तो प्रिमिटिव का सिनोनिम होगा इसमें से प्री हिस्टोरिक, प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटीज़, इस वर्ड का सिनोनिम बताना है प्रोबेबिलिटीज़ का, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब होता है संभावनाएँ, क्या होता है, संभावनाएँ, ठीक है, संभावनाएँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज़ का सिनोनिम होगा इसमें से लाइकलीहुड, लाइकलीहुड वर्ड का मतलब भी क्या होता है, संभावनाएँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम होगा लाइकलीहुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड, एंगर, एंगर इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एंगर का मतलब क्या होता है, क्रोध, एंगर का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। तो एंगर का सिनोनिम होगा व्राथ, WRATH, एंगर का सिनोनिम है व्राथ, व्राथ का मतलब भी क्या होता है, क्रोध, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच, बिच का सिनोनिम बताना है, तो बिच का सिनोनिम क्या होगा, फीमेल डॉग, बिच का सिनोनिम होता है फीमेल डॉग, ठीक है, बिच का सिनोनिम फीमेल डॉग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट, पेरेंट इस शब्द का सिनोनिम बताना है, तो पेरेंट का मतलब होता है जनक, यानी कि जन्म देने वाले, पेरेंट का मतलब होता है जन्म देने वाले, जनक। तो पेरेंट का सिनोनिम होगा फादर और मदर, मदर और फादर ये पेरेंट्स वर्ड के सिनोनिम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, जेनरस का, कौन सी, GENEROUS, जेनरस इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। जेनरस का मतलब होता है कि उदार, जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है, उदार मतलब दानी, वो जेनरस का मतलब होता है उदार। तो जेनरस का सिनोनिम होगा इसमें से वो होगा मैग्नानिमस, क्या होगा, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब भी क्या होता है, उदार, ठीक है। तो जेनरस वर्ड का सिनोनिम है मैग्नानिमस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड है ना उनका सिनोनिम बताना है, जैसे कि इसमें से बताना है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वर्ड का सिनोनिम। तो इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती, क्या होता है, मेहनती, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस वर्ड, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम होगा इसमें से हार्ड वर्किंग, क्या होगा, हार्ड वर्किंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अनाउंस्ड, इसका सिनोनिम बताना है। तो अनाउंस्ड का मतलब होता है कि घोषित करना, क्या होता है, घोषित करना, ठीक है। तो इसमें से अनाउंस्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, वो होगा डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब भी क्या होता है, घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउ, अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, अलाउ, इसका सिनोनिम बताना है। तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति, अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा इसमें से वो होगा परमिट, परमिट का मतलब भी क्या होता है, अनुमति, ठीक है। तो अलाउ का सिनोनिम होगा परमिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है कौन से, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड का सिनोनिम बताना है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप, ये होता है यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब, ठीक है, एक समान या समरूप। तो यूनिफॉर्म का सिनोनिम होगा इवन, क्या होगा, इवन, इवन का मतलब भी क्या होता है, एक समान या समरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है AWE, AWE इसको उच्चारण करते हैं अ, ठीक है, AWE इसका उच्चारण करते हैं अ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम, इसका मतलब होता है कि डर, AWE अ का मतलब होता है डर। तो इसका सिनोनिम होगा क्या होगा, फियर, ठीक है,
ओ का सिनोनिम होगा फियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है एडमोनिस, एडमोनिस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, एडमोनिस का मतलब होता है कि धिक्कारना या फटकारना, फटकारना। ठीक है, तो एडमोनिस का मतलब होता है फटकारना या धिक्कारना। एडमोनिस का सिनोनिम होगा रिब्यूक। क्या होगा? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? फटकारना या धिक्कारना। नेक्स्ट है कि वर्ड है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का मतलब क्या है? लाभदायक। ठीक है, तो बेनिफिशियल का सिनोनिम होगा इसमें से प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि आपदा। क्या होता है? आपदा। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा। तो कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा इसमें से CALAMITY, कैलामिटी। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब भी क्या होता है? आपदा। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफ वर्ड का सिनोनिम होगा कैलामिटी, उसका मतलब होता है आपदा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है कि विनम्र। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, तो डोसाइल का सिनोनिम होगा इसमें से क्या होगा? जेंटल। जेंटल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। ठीक है, डोसाइल का सिनोनिम होगा विनम्र, जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। अर्नेस्ट का मतलब होता है कि उत्सुक। ठीक है, तो अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा इसमें से ईगर। ईगर का मतलब भी क्या होता है? उत्सुक। ठीक है, अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा ईगर। क्वेश्चन है ग्लाइड, वर्ड है ग्लाइड, ग्लाइड का सिनोनिम बताना है। तो ग्लाइड का मतलब होता है कि बहना या तैरना। ठीक है, जैसे कि पानी के ऊपर लकड़ी का जो गत्ता होता है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, बहती है, तो उसके लिए ग्लाइड वर्ड यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइड का मतलब होता है तैरना या बहना। तो ग्लाइड का सिनोनिम होगा फ्लोट। क्या होगा? फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है कि फ्लिंग, फ्लिंग का सिनोनिम, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। क्या होता है? थ्रो। थ्रो का मतलब भी क्या होता है? फेंकना। तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है कॉशन, कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। सावधानी या सतर्कता, कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। ठीक है, तो कॉशन का सिनोनिम होगा वो होगा केयरफुलनेस। क्या होगा? कॉशन का सिनोनिम केयरफुलनेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है डिलाइट, क्या है डिलाइट? डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। तो डिलाइट का जो सिनोनिम होगा वो है प्लेजर। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद, प्रसन्नता। ठीक है, तो डिलाइट का सिनोनिम होगा प्लेजर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है जेनरस, जेनरस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो जेनरस का मतलब होता है कि, जेनरस का जो मतलब होता है वो होता है उदार, उदार यानी दानी। जेनरस का मतलब होता है उदार। ठीक है, तो जेनरस के सिनोनिम कौन कौन से हैं? जेनरस के सिनोनिम है लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। क्या है? लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस, ये सिनोनिम है जेनरस के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है फिकल, कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है कि फिकल, फिकल का सिनोनिम बताना है। FICKLE, फिकल। फिकल का मतलब होता है कि अस्थिर। फिकल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल या जो परिवर्तनशील हो, मतलब परिवर्तन होता रहता है। फिकल का मतलब होता है अस्थिर। तो फिकल का जो सिनोनिम होगा वो है इनकॉन्स्टेंट, इनकॉन्स्टेंट, अस्थिर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है एलिगेंट, एलिगेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है। एक वर्ड है एलिगेंट, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, सौम्य। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुंदर या सौम्य। तो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर, सौम्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट, क्या है डेबिलिटेट? डेबिलिटेट का मतलब होता है, डेबिलिटेट का मतलब होता है
कमज़ोर या शक्तिहीन करना, ठीक है। डेबिलिटेड का मतलब होता है कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। तो डेबिलिटेड का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है कि अटेन्यूएट, AttenUate, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो भी क्या होगा, वीकन। क्या होता है, वीकन। अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर या शक्तिहीन या दुर्बल, ये होता है अटेन्यूएट का। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होता है, वीकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफंक्टरी क्या है। परफंक्टरी तो वर्ड है PERFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है कि असावधानी पूर्वक या बिना मन से, ठीक है। तो परफंक्टरी का जो सिनोनिम है वो है हाल्फ हार्टेड। क्या है, हाल्फ हार्टेड। हाल्फ हार्टेड का मतलब भी है बिना मन के असावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। तो परफंक्टरी का सिनोनिम है हाल्फ हार्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिडिटी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रैपिडिटी। रैपिडिटी का सिनोनिम बताना है। तो रैपिडिटी का मतलब होता है तीव्रता से, तेजी से, ठीक है। तो रैपिडिटी का सिनोनिम है क्विकली। क्या है, क्विकली। क्विकली का मतलब भी होता है तीव्रता से, तेजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कि एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, फ्रेंडली। ओके, तो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। क्या है, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कि सहमति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति। तो एकॉर्ड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है, सहमति, ठीक है। एकॉर्ड का सिनोनिम होगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि ठोस या विश्वासप्रद, मतलब कोई चीज़ कितनी विश्वासप्रद है कि इसका विश्वास किया जा सके, कितनी ठोस है कि उसका विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है ठोस, विश्वासप्रद, जिसका कि विश्वास किया जा सके। तो क्वाड्रेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कन्विंसिंग। क्या है, कन्विंसिंग। क्वाड्रेंट का सिनोनिम है कन्विंसिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।